टेक्निकल रघु चैनल में सभी का स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो के माध्यम से एक बार मैं फिर आपको HDPE पाइपलाइन, जो कि आजकल सारे पेट्रोल पंप पर कॉमन हो गई है, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो आइए इसको हम HDPE से लेके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं वो बताते हैं। ये देखिए, ये डीजल का टैंक है। डीजल के टैंक में HDPE डली हुई है। यहाँ से गेट वाल्व खोलेंगे और ये देखिए, ये HDPE पाइपलाइन आया हुआ है। अब इसमें से हमको दो मशीनों के कनेक्शन करने हैं, दो नोजलों के कनेक्शन करने हैं, एक बीच वाली मशीन के और एक आगे वाली मशीन के। तो आपने देखा, मोटर जो डली हुई है, गेट वाल्व लगा हुआ है, वहाँ से मैंने इसको HDPE पाइप में टी लगाई है। टी से आप देखिए, यहाँ तक HDPE पाइप आया है। उसके नीचे चूँकि मशीन का पार्ट 40mm का होता है और HDPE पाइप 50mm की होती है, तो हमने देखिए वहाँ पर एक एल्वो लगाई है जो 50x40 की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो HDPE पाइप में MS पाइप हम लोगों ने 50 का लगाया हुआ है, और 50 का जो पाइप है फिर आगे जाके वो पाइप 40x40 का हो गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। साथ में ही आप देखेंगे कि दूसरी साइड भी, दूसरी मशीन जो कि आगे लगी है, वहाँ भी हमें डीजल देना था, तो हमने वहाँ पर उसी लाइन का एक नोजल उसी तरीके से 50 के MS पाइप में 50x40 की एल्वो लगाकर इसको मशीन में फिट कर दिया गया है। ये टोकियम की मशीनें इस पंप पर तीन लगाई जा रही हैं। चूँकि इस पंप पर दो डीजल के टैंक हैं और एक पेट्रोल का टैंक है, तो पेट्रोल के टैंक से एक सबसे पीछे वाली मशीन जो कि सेल्स रूम बिल्डिंग के पास है, और बीच वाली मशीन उसमें एक एक नोजल पेट्रोल का दिया है, और जो आगे वाली मशीन है उसमें एक नोजल डीजल का एक टैंक से और दूसरा नोजल डीजल का दूसरे टैंक से लगाया गया है। तो आपने देखा कि मॉडर्न ज़माने में HDPE पाइप ने पुरानी MS की लाइनों को रिप्लेस कर दिया है। पहले MS की लाइनें पेट्रोल और डीजल को टैंकों से मशीन तक लाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, लेकिन अब HDPE पाइपलाइन इस्तेमाल होती है। इससे फ़ायदा ये है कि इसमें कभी भी जंग नहीं लगती, और ये लाइनें सालों तक हमको अच्छी सर्विस देती हैं। तो आपने देखा कि HDPE पाइपलाइन को किस तरह से MS से कनेक्ट करके बहुत ही आसानी से मशीनों में फिट कर दिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप पाइपलाइन संबंधित, मशीन इंस्टॉलेशन संबंधित कोई भी वीडियो कभी चाहते हैं या मदद चाहते हैं, तो इसी वीडियो में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप हमको लिख सकते हैं और हमसे मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।